Hello? किडनैपर का फोन था ना? हाँ। क्या कह रहा था? कह रहा दोबारा फोन करेगा। इसका मतलब शिव सही था, टोनी ने प्रेम को किडनैप नहीं किया है। क्या ये उनकी चाल भी तो हो सकती है। लेकिन तुम ये बात शिव को नहीं बताना। क्यों? क्योंकि शिव ये बात पुलिस को बता देगा, जो कि प्रेम की जान को खतरे में डाल सकती है। ठीक है, मैं शिव को नहीं बताऊंगी। पर सर प्लीज, प्रेम को आप वापस ले आइए। हाँ शबाना, फिर ले आऊंगा। लाइए बताओ, हाउ आर यू फीलिंग? बेटर। सर, आपसे बगैर पूछे मैंने ये नाइटी अलमारी से निकालकर पहन ली। आई होप यू डोंट माइंड। है नहीं, इसमें कोई बात नहीं, बल्कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले सकती हो। थैंक यू वेरी मच सर। सर, वो आपके घर में कोई लेडी तो है नहीं, तो फिर ये नाइटी? साधना की है। वो इस घर में जो चीज जैसे छोड़ के गई है, मैं चाहता हूं जब वो वापस आए उसे वो हर चीज वैसे ही मिले। हेलो अंकल। अंकल हम मुश्ताक बोल रहे हैं। हाँ मुश्ताक बोलो, कुछ पता चला? अंकल एक सुराग मिल गया है, लगता है प्रेम अब जल्द मिल जाएगा। लेकिन बेटे टोनी अभी तक नहीं आया है। अब टोनी भी बहुत जल्द आ जाएगा अंकल, आप चिंता ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटे, लेकिन जो कुछ भी हो मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ओके जी अंकल। ओके हेलो। हाँ सर जी, हम केसरी बोल रहे हैं। हाँ बोलो केसरी, कुछ पता चला? हाँ सर जी, वो का कहा था, वो खुलू वो सुराग मिला है प्रेम बाबू के बारे में। अच्छा ठीक है, तुम होशियार रहना, कुछ मुश्किल हो तो मुझे फौरन इत्तला करना। कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। हाँ ठीक है, जैसे ही खबर मिलती है हम तुम्हें फोन करते हैं। ओके। ओ भाई, आ तो खान भैया, अब का कह, अब बनारस वाला। केसरी पंडित, वो देखो सामने एक पनवाड़ी की दुकान है। इन पनवाड़ियों को बस्ती के बारे में पूरी खबर रहती है, इसी जाके पूछते हैं, शायद इसे बशीरा के बारे में कुछ पता होगा। अरे खाई लो पान बनारस वाला, खुल जाए बंद कल का। कहा है भाई? बशीरा का पता बता सकते हो? बशीरा? अरे ना ही ना घबराओ, कछु नहीं करेगा छुछुंदर, बस तुम हमका उसका एड्रेस बताई दियो। अरे भैया ओखा भी थोड़ा ही दिन हुए हैं जेल से छूटे हुए, लेकिन भैया दो ही तीन दिन हो गए हमका दिखा नहीं। दोस्त है तुम्हारा? दोस्त का है का भैया, हमारे इधर से सिगरेट लेके जाता है, इलाने हमों का जाना था। अरे तो उसका घर में ससुर कोई तो होगा, उसका माँ बाप औरत बच्चा? हाँ। अरे भैया ये दुनिया में उसका कोई नहीं है, ना उसका बीबी है, ना बच्चा है, ना अम्मा है, ना अब्बा है, बस एक है झींगा उसका सागर, दोनों ससुर बहुत टपोरी है। देखो हमें बशीरा को ढूंढना है किसी भी तरह। अरे रुको भैया रुको, उड़ रहा झींगा। झींगा?
दूंगा। लग रहा है ये जो है बसीरा की तरफ जा रहा है, ये बसीरा का पता बता सकता है आपका। कहां मतलब है, ये है बसीरा का चेहरा। हाँ झींगा। अरे रोका भैया, पान तो खाते जाओ। चम पड़थल अरे भाई कौन है आप लोग? भाई छोड़िए ना, हमका काहे पकड़िए भाई। बशीरा कहाँ है? कौन बशीरा? मैं किसी बशीरा को नहीं जानता, छोड़िए ना मुझे। अच्छा ठीक है, ना ही ना जानते तो ठीक है। अरे भैया सीधे खड़े हो जाओ। हाँ ऐसा पुतरिया के माफिक नाचन काहे लगे? हाँ देखो तुम सीधे सीधे हमें बशीरा का पता बता दो, ये तो ये जो भाई है ना इन्हें ठुकाई करने में बहुत मजा आता है। मैं कह रहा हूँ मैं किसी बशीरा को नहीं। hey! अभी कौन आवाज नहीं, जो पूछ रहा है सीधे सीधे बता दियो फटाफट। मैं नहीं जानता बशीरा को, मैं तो इधर रहता भी नहीं हूँ। कान भैया तनिक हुआ सरक जाओ, ये ससुरा ऐसे नहीं मानेगा, इसकी मालिश करने का पड़े है। केसरी केसरी सीधे सीधे बताएगा, तनिक ठहरे तो सही। केसरी छोड़ दे इसे, छोड़ दे। लगता है इसे बशीरा का पता सचमुच में नहीं मालूम। ठीक है जा बे। देखा मैं तो पहले ही बोला था ना मेरे को नहीं मालूम, पर ये बहुत कड़ा गया तुम्हारा दोस्त। अरे सुअर का नाती तो हर साला। अरे का किए खान भैया, उस ससुर को भगा दिए। ओ केसरी पंडित, तुम रहे पंडित के पंडित, सब कुछ यहाँ पर ही है या यहाँ पर भी कुछ है? हाँ हाँ क्या, ये किसका चेला है? ससुरा बसीरा का चेला है। तो अब ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? हमका का पता बशीरा के पास। अरे वो बशीरा को जाकर बताएगा कि हम और तुम बशीरा की तलाश में यहाँ पर आए हैं। अब बात आई समझ में, चलो अब जल्दी यहाँ से चलो। अरे चलो ना। हेलो हेलो जिमी। यस सर। हाँ कुछ पता चला? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द हमें कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। वो कैसे? मुश्ताक और केसरी के हाथ एक क्लू लगा है, वो लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। मुश्ताक? तेरी मुश्ताक केसरी के साथ क्या कर रहा है? टोनी की जान बख्श देने के एवज में मुश्ताक प्रेम को लाने में हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, लेकिन तुम मुझे फोन करते रहो बार बार, और मुझे प्रेम किसी भी हालत में जल्द से जल्द वापस चाहिए, सुना? आप मुझ पर भरोसा रखिए सर। मुझे तुम पर भरोसा है। थैंक यू सर। आज तो अपन फंस ही गया था, दो हट्टा कट्टा आदमी मेरे को पकड़ लिया। किधर? ये घर के बाजू में उस्ताद। काहे को? तुम्हें छोकरी है जो तेरे को पकड़ेगा? ऐसा बात नहीं है उस्ताद। वो लोग पूछने लगा बशीरा कौन है करके। क्या बोला तू? मैं बोल दिया उस्ताद मैं कोई बशीरा वकील, सॉरी उस्ताद मैं बोला मैं कोई बशीरा को नहीं जानता। और क्या बोले वो लोग? और पूछ रहे थे बशीरा किधर रहता है करके। कैसे दिखने में कैसे थे? दिखने में बोले तो उस्ताद एक तो काले रंग का पठानी सूट पहने रहा था उस्ताद, फटका बांधे था सिर पे, हिंदी फिल्म का हीरो माफिक दिखता था उस्ताद। हाँ ये लिया तो मुश्ताक अली का, उससे अपन का क्या लेना देना? और वो दूसरा
दूसरे का मत पूछो उस्ताद, वो दूसरा मेरा जतन इस हफ्ते के पकड़ा उस्ताद, मेरा डिपार्टमेंट ही चले। अरे बता के वो तेरा बाप दिखता कैसा था? कहता था अंकल, वो दिखने में उस्ताद सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहन लिया था और उस्ताद मूछें थी बदली बदली और टीका लगाता था, कान चबाता था। उस्ताद पहले मैं तो समझा खुद पंडित होएगा, पर जब वो हंसा ना उस्ताद ऐसे हो करके तो एकदम रावण के मामी। हेलो समझ गए, ऐसे कहानी सुना रहा, तुझे मालूम है वो कौन है? कौन है उस्ताद? साले वो केसरी पंडित है, और अगर हम दोनों में से कोई भी उसके हाथ लग गया ना तो हड्डी भी नहीं मिलेगी दफनाने को। मेरे को क्यों मारता है उस्ताद? सफेद वाला दोनों तो वो तो छोड़ने को नहीं देता, पर वो काला वाला ना मेरा ट्रेन देके बोला भाग, मैं भागा उधर वहां से भागा यहीं चुरू का उधर। ले तुमको मेरे पीछे लगा रहा है, अभी वो तेरा पीछा करते हुए इधर ही आता। सारा प्लान खराब कर दिया, खराब कर दिया साला, मर। हेलो बार वो काला सफेद मारता है मेरे को, अंदर उस्ताद मारता है, मैं गाया हूँ मारते मेरे को। Yes? हेलो हेलो डॉक्टर चंद्र प्रकाश को फोन दीजिए प्लीज, जल्दी अर्जेंट है। वो नहीं है, किसी विजिट पे गए हुए हैं। नहीं है? अब अच्छा जैसे वो आएंगे ना तो उन्हें कहना कि साधना का फोन था। हाँ जरा अर्जेंट है मुझे फोन करने के लिए। अच्छा हाँ थैंक यू। मामा मुझसे कुछ छुपा रही हैं। क्या छुपा रही हूँ, कुछ भी तो नहीं है। तो फिर आपने डॉक्टर अंकल को फोन क्यों किया? ऐसे ही मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ आपको मामा? कुछ अनइजीनेस सी हो रही है। मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, आराम करने जा रही हूँ। आई होप यू आर ऑल राइट। हाँ एब्सोल्युटली। आप कहे तो मैं परीक्षित से कह दूँ मामा? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं कहना प्लीज। हेलो डॉक्टर चंद्र प्रकाश आ गए? अभी तक तो नहीं आए हैं। कहाँ गए हैं वो? वो किसी विजिट पे गए हैं मैडम। विजिट पर किसके यहाँ? धवन साहब के यहाँ। प्लीज मुझे नंबर दे दीजिए। जी 625-4961। ओके थैंक्स अ लॉट। काफी परेशान लग रहे हो, बैठ जाओ रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। लेकिन चंद्र काफी देर पहले फोन आया था जिम्मी का कि केसरी गया प्रेम को लेने,
पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। मुझे तो लगता है पुलिस का कांटेक्ट करके उनका कोऑपरेशन लेना चाहिए। कैसी बेकार की बातें करता है चंदर, पुलिस क्या कर लेगी। मैं जरा फ्रेश हो के आऊँ, सारी रात जागा हूँ, प्लीज बेटर है जाओ। एक्सक्यूज मी, हेलो, इज दिस मिस्टर धवन्स रेसिडेंस? यस, कौन बोल रहा है? देखिए मैं अवंतिका बोल रही हूँ, डॉक्टर चंद्रप्रकाश हैं। वो अभी बाथरूम में गया है, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं उनको मैसेज दे दूंगा, वापस फोन कर देंगे। हमारा नंबर है उनके पास, प्लीज गिव हिम अ मैसेज कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, फौरन हमारे घर पे आ जाए। क्या नाम बताया आपने अपनी मम्मी का? जी मेरी मम्मी का नाम है। हेलो मम्मी, आपने फोन क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया? तुम किससे बात कर रही थी? मैं कोई मिस्टर धवन जो डॉक्टर अंकल के पेशेंट है उनसे बात कर रही थी। आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो मामा, ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी, समझ गई? और किसी भी अजनबी से बात नहीं करोगी, एंड दैट इज एन ऑर्डर। दैट्स इट, दैट्स वेरी फ्रेशनिंग। इधर आ जा। तेरे लिए एक फोन आया था। किसका फोन था? कोई अवंतिका थी। वो किसका फोन था? अरे यार कोई अवंतिका है क्या? तू अपने पेशेंट्स के नाम भी याद नहीं रख सकता। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, यही कहा कि उसकी माँ बीमार है और तेरे को वहाँ बुलाया है। और कुछ कहा उसने? कुछ कहना तो चाहती थी लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने फोन काट लिया। ये है कौन अवंतिका? नहीं कोई नहीं, एक नई नई पेशेंट है, उसकी माँ की ट्रीटमेंट चल रही है, तबीयत शायद ज्यादा खराब हो गई होगी, मैं जरा देख कर आता हूँ। हाँ ठीक है, तू थका हुआ है, मेरी गाड़ी और ड्राइवर लेके जा। हेलो डॉक्टर। हेलो हेलो उस्ताद, उस्ताद अब उनका बात तो सुनो उस्ताद, कहाँ जा रहे हैं उस्ताद, अब उनका बात नहीं सुन रहे, कहाँ जा रहे हैं उस्ताद? अबे तो चुप करना, तू इधर ही मर। मेरे को छोड़ के ना जा रहे हैं उस्ताद, इसको रोकड़ा कैच करेगा तो फिर मैं भी जाऊंगा, मेरा हिस्सा नहीं कि मैं भी चलेगा। साले हिस्से की बात करता है, उधर केसरी और मुश्ताक को मेरे पीछे लगा ले है, इधर हिस्सा मांगता है, चल तू मर इधर। उस्ताद उधर मेरे को अपने साथ रख लो उस्ताद, हिस्सा मत देना उस्ताद, मैं भी चलेगा, वरना वो लोग मेरे को मार डालेंगे उस्ताद, वो लोग। ये पंछी तो उड़ने की तैयारी में लगा रहा। प्रेम को संभालो केसरी। ये कुत्तन साला, तुमका ये पूरा शहर में और कोई नहीं मिला उठा दिखा वास्ते, अब तुमका तो मारे का ही पड़ी। नहीं केसरी, तुम इसे नहीं मारोगे। अरे नहीं खान साहब, क्या कहते हो, इस उसरा शेर की मांग में घुस के मांस चुरा के लाया है, अब अगर हम इनका छोड़ दिए ना तो इससे दूसरा पूरा शहर का कुत्ता बिल्ली हमका आंखें दिखाने लगेगा। अभी चमगादड़ को तो मरे का ही पड़ेगी। नहीं केसरी नहीं, देखो बेकार का खून खराबा हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें प्रेम चाहिए था, वो हमें मिल गया, तुम इसे लो जाओ यहाँ से, हम उनके साथ पैर छोड़ के यही छोड़ देंगे। हम तुमका कहती है ना कि उधर ही रहे, नहीं तो मैं इसका भेजा निकाल डालेगा। ए सुसिया, अगर इस बच्चों को हाथ लगा दिए ना तो तुम्हारा लुगड़ी मिला के ये बिछा देंगे। सुजा सुजा रे, ए सुजा, ए सुजा, हिम्मत कर, क्या कर रही है सुजा? केसरी देखो देखो, प्रेम की तबीयत शायद खराब हो रही है, तुम इसे लेके घर जाओ। देखो केसरी, ये प्रेम बाबू, ये प्रेम बाबू, ये प्रेम बाबू तो काका हुई गवारे, अरे का हुई गवारे तो का प्रेम बाबू, अरे यहां देखो रे, ए प्रेम बाबू, अब हम धवन साहब को काम वो दिखाएंगे, अब हम धवन साहब को काम वो दिखाएंगे रे, अब हम तो खेल खिलास कर देंगे, अब हम तो खेल खिलास कर देंगे। कैसे तुम इसे नहीं मारोगे? छोड़ दे, हम का हाथ नहीं लगाओ, नहीं तो हमारा हाथ उठ जाएगा तुम।
मुझे जान नहीं लोगे। कल से तुम हमसे वादा किए नहीं। हमने वादा किया था प्रेम को वापस लाने का, तो हम ले आए। हम तो पकाए थे, हमको छोड़ दो। हमको छेड़िए पड़ जाओ, बहुत छेड़िए किए रहे। तो हमरा दोस्त के हमरी पीठ में छुरा घोंप दिए। कैसे ही क्यों किसी बेगुनाह के खून से अपने हाथ रंगना चाहते हो? वो बेगुनाह ना देख देख ही नहीं बचवा कर देख कभी। और फिर क्या कि वो बेगुनाह हमको छोड़ दिए। देखो देखो कैसे ही जिस मालिक के बेटे के लिए तुम इतने उतावले हो रहे हो, इसके लिए तुम खून करने तक उतर आओ, उसके बदले में तुम्हें देगा क्या? सिर्फ एक नोटों का बंडल। अरे रहने दो खान, रहने दो। तुम करो तो चाकरी, वो ससुरा टोनी का। फर्क है केसरी, तुम ये सब पैसों के लिए करते हो और हम दोस्ती के लिए। तुम्हें अपने मालिक की खुशी चाहिए और हमें अपने दोस्त की जान। अब लो इसे उठाओ यहां से और जाओ, और जाके अपने मालिक से नोटों का बंडल ले लो।